देख रहे हैं अपना मन पसंद चैनल और करगिल का सुपर फास्ट चैनल एस टी लद्दाख आवाज करगिल। आप देख रहे हैं अपना मन पसंद चैनल और करगिल का सुपर फास्ट चैनल एस टी लद्दाख आवाज करगिल। आपका शुक्रिया तशरीफ लाने का। नहीं, हम तो आना चाहते थे, बट ये कोरोना वायरस के चक्कर चलते हुए खसूसा इस हालत में आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ऐसी हालत बन गई हमारे लिए और अलहमदिल्ला से नवा करते हुए नाम उठाया जिसकी हम सराहना करते हैं। मैं यह इस हालत में ये जो स्टेप नहीं लेता तो मुमकिन था बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर काफ़ी प्रॉम्प्टली एक्शन किया और ये जरूरी है। आप तो देखिए पूरे देश भर क्या क्या माहौल है, पूरे देश में भी अच्छा किया, पहला कदम उठाया, इसीलिए केसेस बहुत कम है हमारे लद्दाख में, तो अभी रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं सर इसके। हाँ मतलब भैया लकी पिछले 10 दिन से तो कुछ हमारे यहाँ पे इंतजाम नहीं हुए, कम भी हुआ है, मतलब कम हुआ है, अभी हम देखते हैं और एक हफ्ता हमारे क्रूशियल है, एक हफ्ता हमारा निकल जाएगा अच्छा तरह से, देन मोर और लेस हम लोग थोड़ा सा सीख रहे हैं। बाकी परेशानियों को दूर करने के लिए कोई इकदाम उठाया जाएगा, जिससे हमारे लोग जिला जो है रास्ता बंद है, हम लोग घर में क्वारंटाइन से रहे हैं, इस वजह से खाने पीने की समस्या। हमने आपको जानकारी के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितनी एसेंशियल कमोडिटी हम एयर से लिफ्ट करवा सकते हैं उतना करने का हमने प्लान बना लिया, चाहे वो शुगर हो, आटा हो, गेहूँ हो, चावल हो, वो पूरा कार्गो प्लेन से आ जाएगा, फ्रेश इसका भी फिश और फ्रेश वेजिटेबल भी आ जाएगा इंक्लूडिंग चिकन एंड ऑल दैट। और रास्ते से हम इमीडिएटली अभी फ़िलहाल तो सिर्फ तेल ला रहे, क्योंकि तेल तो जहाज से आया जी, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी हो गया, इसको हम रास्ते के अभी जोजिला के थ्रू लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं, मतलब थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि अभी स्नोफॉल हुआ था, रास्ता दोबारा बंद हुआ है, उसको दोबारा खोलना पड़ेगा, तो थोड़ा सा समय लगेगा, बट हमारी कोशिश जारी है। एल जी साहब ने डिविजनल कमिश्नर को इसी काम पर लगाया कि आप रोज का कार्गो तैयार करो, एयरफोर्स का कार्गो प्लेन आएगा और जितना कार्गो आपको लाना है मर्चेंट एसोसिएशन के थ्रू लाओ या कोऑपरेटिव के थ्रू लाओ, बट वो कार्गो आप लेके आ जाओ। रास्ते वाला आसान पड़ता है, अभी मेन चैलेंज तो बस यही एसेंशियल्स का है, इधर आने के बाद भी कैसे मतलब वो डिलीवर हो जाए उसका अगर मैकेनिज्म अच्छा हो, क्योंकि बस यही एक चैलेंज है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक छोटा सा चैलेंज बन सकता है। जैसे मेडिसन्स का, कहीं पे गांव में मेडिसन्स की ज़रूरत पड़ी तो लॉकडाउन है तो लोगों को ये परेशानी है, और हेल्पलाइंस हैं लेकिन अक्सर लोगों को ये पता भी नहीं है कि हेल्पलाइंस पे कैसे अप्रोच करें, क्या करें, उसमें थोड़ा अगर एजुकेट हो जाए तो बेटर है, इससे चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, वरना लोग ऐसे ही घरों से आउट ऑफ डिस्ट्रेस निकल के आ जाते हैं, फिर उनका हमारे पुलिस से इनकाउंटर हो जाते हैं, फिर पुलिस को भी अपना ड्यूटी निभाना है, तो ऐसे में चीज़ें कुछ स्मूथनेस में इफेक्ट पड़ता है, अगर ये थोड़ा इम्प्रूव हो जाए तो और भी अच्छा है, यहाँ पे कोई इतना अच्छा ये प्रॉब्लम इतना अच्छा ज़्यादा नज़र में नहीं आ रहा। लोगों की तरफ से तो अलहमदिल्ला से अच्छा कवरेज है,
बाकी जो अफवाह जो फैल रहे हैं कुछ बैठे बैठे ऐसे बातें बोल देते हैं तो हमारे जो व्हाट्सएप वगैरह पर जो आ जाते हैं फलानी ये दवा इस्तेमाल करके इन पर थोड़ा सा एक्शन उठाने की जरूरत है। एक ऐसी चीज़ है जो पैनिक है लोगों को परेशानी करने वाली चीज़ है। बहरहाल है तो अब फसल का उसी पैनिक को मतलब अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए से हटाने की कोशिश कुछ एनकरेजमेंट्स जाए तो इसका काफी मतलब इंपैक्ट पड़ता है लोगों पे। कितने मोबाइल नंबर होंगे कारगिल में पूरे सब्सक्राइबर्स चेक करना पड़ेगा। एक शेड्यूल आपको डीकॉम ने बताया होगा एक शेड्यूल हमने बनाया है और जितना सामान इंजीनियर साहब ने कहा कि आप 3 महीने का स्टॉकिंग करें मतलब 3 महीने तक हमारे पास होना चाहिए इंक्लूडिंग फ्रेश वेजिटेबल तो हम फ्रेश वेजिटेबल भी मंगाएंगे बाकी सब सामान भी मंगाएंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा 2-3 चीज़ें बड़ा है आप एक तो फ्रेश वेजिटेबल का बड़ा डिमांड है दूसरा जो मार्केट में जो आम जो खाने की चीज़ें होंगे आपको मतलब आटा चावल के इतना शॉर्टेज नहीं है अभी से मिल्क है आपका दूध अंडे वगैरह उसकी शॉर्टेज तो अभी मेरी बात होंगे मर्चेंट एसोसिएशन ने भी उनको डिपॉजिट कर दिया तो अभी 18 लाख रुपये अभी तो नहीं नहीं जो भी सामान लाना चाहता है मतलब एलजी साहब ने कहा कि गवर्नमेंट ही क्यों लाए जो भी मर्चेंट एसोसिएशन लाना चाहता है हम उठा लेंगे मतलब उठाने का काम हमारा है। आप सब सिर्फ सामान कहाँ से उठाना ये बताइए दिल्ली से उठाना दिल्ली से उठा लेंगे चंडीगढ़ से उठाना है तो चंडीगढ़ से उठा लेंगे उठाने का जिम्मा हमारा आप सामान बुक कर लीजिएगा तो वो एलजी साहब ने क्लियरली बता दिया तो अब उसको सिस्टम बनाने में 2-3 दिन लग जाएंगे तो 2-3 दिन तो आ जाए इस हफ्ते में आना शुरू हो जाएंगे और हम कश्मीर के साथ भी टच में हैं हमने उनको कहा कि आप पहले ऑयल का सप्लाई तो शुरू करो क्योंकि केरोसिन का भी कमी है बहुत जगह पे केरोसिन नहीं है कुछ सिस्टम तो होना चाहिए रोड तो आपका चलो मूवमेंट बंद कर रखेंगे या कुछ करेंगे लेकिन रोड थ्रू होना चाहिए रोड थ्रू तो होना चाहिए तो बंद ही होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन उनको बता दिया है अब वो काम शुरू करेंगे कुछ पेशेंट हमारे यहाँ बड़े सीरियस पेशेंट को रेफर करने की जरूरत नहीं कुछ हमारे 2-4 कैंसर पेशेंट है वहाँ पे मैंने एमपी साहब को भी कॉल करा था कि उनको हॉस्पिटल से छुट्टी किया है तो अब वो बेचारे पड़े हैं ऐसे ही उनको तो लाना है तो ऐसे कुछ सिस्टम तो कुछ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा थोड़ा सा ये देख लीजिएगा हम भी अपने ऑफिसर्स को बता रहे हैं ड्यूकॉम में भी डीसी को बताया होगा एनजी साहब ने भी कहा है कि अभी ये लॉकडाउन चल रहा है लोग आ नहीं सकते तो जितना होम डिलीवरी हम करवा सकते हैं उसका सिस्टम जितना हम बना सकते हैं उतना बनाने की जरूरत है जो भी कर रहे हैं पहले तो थोड़ा सा आ जाए ना आपका कमोडिटीज बोल जाए उसके बाद फिर कर सकते हैं थोड़ा सा वो देख लीजिएगा क्योंकि आजकल क्या है जैसे मैंने कहा था कि आजकल टैक्सी वैक्सी भी सब बंद पड़ी हुई है तो 4-5 दुकानदार मिलकर एक टैक्सी लगा सकते हैं और वो टैक्सी अपना फ़ोन पे ऑर्डर ले लिया 4-5 ऑर्डर इकट्ठा करके फिर उस एक पर्टिकुलर एरिया में जाके दे सकते हैं थोड़ा सा जो चार्ज होगा वो चार्ज देना पड़ेगा लोगों को बट एटलीस्ट कम से कम होम डिलीवरी तो मिलेगी आपको नहीं वो करेंगे आपका पहले थोड़ा सा पहुंच जाएगा यहाँ पे अभी आजकल थोड़ा सा शॉर्टेज स्टार्ट हो गया है आपको मार्केट में और अभी हमारा 25 अप्रैल से तो रमज़ान भी शुरू होने वाला है इस बार 25 अप्रैल से हाँ ओके मुझे लगा मई में मुझे लगा मई में है 25 अप्रैल से फर्स्ट नहीं ये मैं कन्वे करूंगा।